दोस्तों, यदि आपसे 8 भुजाओं और 3 दिन वाले एनिमल के बारे में पूछा जाए तो आप तपाक से जवाब दोगे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस दुनिया के सभी महासागरों, खासकर उष्णकटिबंधीय महासागर में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ऑक्टोपस अपने 8 भुजाओं की मदद से समुद्र में तैरते हैं और केकड़े, क्रेफिश, लॉबस्टर, झींगा आदि का शिकार भी करते हैं। विशालकाय पैसिफिक ऑक्टोपस तो दूसरे ऑक्टोपस को भी खा जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके जहर के कारण कुछ वैज्ञानिकों ने इसे समुद्र की गहराई के राक्षस की संज्ञा भी दी है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इसी ऑक्टोपस के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि ऑक्टोपस की 2-4 नहीं बल्कि 300 प्रजातियां मिलती है, जो समुद्र की गहराइयों में या समुद्र तल पर तैरते रहते हैं और भोजन की तलाश में सुबह से शाम समुद्र के ऊपरी हिस्से में आ जाते हैं। ऑक्टोपस कई प्रकार के होते हैं। सबसे ज्यादा मिलने वाले वल्गरिस ऑक्टोपस 12 से 36 इंच लंबे और 3 से 10 किलोग्राम वजनी होते हैं। सबसे छोटा वुल्फी ऑक्टोपस जहां 1 इंच लंबे और 1 ग्राम वजन के होते हैं, वहीं विशालकाय पैसिफिक ऑक्टोपस 16 फुट लंबे और करीब 50 किलोग्राम तक भारी होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 1957 में दक्षिणी कनाडा में एक विशाल ऑक्टोपस भी मिला था, जिसका वजन 272 किलोग्राम और उसकी भुजाएं 9.5 मीटर लंबी थी। ऑक्टोपस के शरीर में 3 हार्ट, सिंगल ब्रेन और उससे जुड़े 8 न्यूरॉन्स तथा ब्लू ब्लड इससे दूसरे एनिमल्स से अलग बनाते हैं। इनमें से 2 हार्ट खून की सप्लाई गिल्स में करने में काम करते हैं तो तीसरा हार्ट खून को बाकी शरीर में सर्कुलेट करता है। ऑक्टोपस में ब्लू ब्लड की हीमोसाइन नामक कॉपर आयरन से भरपूर प्रोटीन मात्रा पाई जाती है। महासागर की गहराई में बहुत कम तापमान और ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर भी यह प्रोटीन ऑक्टोपस के शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करने में मदद करती है। ऑक्टोपस काफ़ी तेज दिमाग वाले होते हैं। इनमें करीब 500 मिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये गैंग्लियन न्यूरॉन्स नर्व सिस्टम में सेंट्रल ब्रेन और हर हाथ के नीचे होते हैं, जो उनके हर मूवमेंट को कंट्रोल में रखते हैं। ऑक्टोपस किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा लेते हैं और कोई काम आसानी से सीख लेते हैं और अपने शिकारियों से बचाव के तरीके भी वो नए अपना लेते हैं। आपको ऑक्टोपस पॉल तो याद होगा ही, जिसने 2008 और 2010 वर्ल्ड फुटबॉल कप फीफा में सही विजेताओं को पहले ही चुन लिया था। ऑक्टोपस सफल पोड़ा परिवार से आते हैं, यानी इनकी भुजाएं सिर से जुड़े होते हैं। ऑक्टोपस को 8 भुजाएं सिर से जुड़ी है, जो उसे तैरने में ही नहीं बल्कि शिकार पकड़ने में भी मदद करती है। ऑक्टोपस के 8 हाथ पर 2 लाइनों में गोल आकार में चूसने वाले शक्तिवर्धक सर्कस होते हैं, जिसमें लगे संवेदी रेसिप्टर्स उन्हें किसी भी चीज़ को स्पर्श कर पहचानने में मदद करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऑक्टोपस की भुजा कट जाती है तो कुछ समय बाद दोबारा आ जाती है, यानी किसी शिकारी से पकड़ बचने की परिस्थिति वश भूख मिटाने के लिए उसका खोया हुआ आर्म उसकी स्थान पर बड़ा हो जाता है। अपनी भुजाओं के सक्शन पावर की मदद से ऑक्टोपस बड़ी आसानी से पीछे और बैकवर्ड स्विमिंग कर लेते हैं, यानी वे भुजाओं के सकर्स से पानी अपने अंदर ले लेते हैं। ऑक्टोपस शिकारी से अपनी रक्षा के लिए विशेष केमिकल्स का उपयोग करते हैं। जब उन्हें समझ में आ जाता है कि वे मुसीबत में हैं, तो दूसरे स्थान पर अपने ब्लू ब्लड का फुहारा छोड़ते हैं, जो पानी में घुलनशील काली स्याही का धुआंसा बन जाता है। गहरे महासागर के तल में मांड बनाकर माँ ऑक्टोपस एक बार में 1 से 3 लाख अंडे देते हैं। शिकारियों से उनकी रक्षा करने और पानी के तेज बहाव से बचाने के लिए माँ ऑक्टोपस अपनी जान भी गंवा देती है। ज्यादा भूख लगने पर वह अपने हाथ को ही खाने लगती है, जिससे वह खुद कमजोर हो जाती है और कई बार तो वह भूखी मर जाती है और दूसरे शिकारियों से अपना बचाव नहीं कर पाती। अक्सर युवा ऑक्टोपस अपने माता पिता से कुछ सीख नहीं पाता है, इसलिए अंडों से निकले आधे से अधिक लार्वा युवा होने से पहले ही दूसरे समुद्री जीवों का शिकार बन जाते हैं। ऑक्टोपस का जीवन काल 1 से 5 साल तक का होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।